नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय YouTube चैनल द इंडियन न्यूज के अंदर। दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए पंजाब विधानसभा चुनाव का एक और महा ओपनिंग पोल। आखिरकार दोस्तों, यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम का कमान छोड़ दिया है और यहां पर अब सीएम का कमान छोड़ने के बाद आखिरकार पंजाब की स्थिति कैसी है और पंजाब के अंदर कांग्रेस की स्थिति कैसी है। आखिरकार दोस्तों, यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की कमान छोड़ने के बाद क्या फिर से वही लहर चलेगी क्या पिछली बार जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के राज में जब कांग्रेस ने यहां पर सत्ता हासिल की थी, क्या इस बार भी सत्ता हासिल करेगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कांग्रेस का अगला सीएम नवजोत सिंह सिद्धू होंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ी मशक्कत के साथ और बड़ी मेहनत करने के बाद यहां पर फाइनली उन्होंने सीएम की कुर्सी हासिल कर ली। दोस्तों, यहां पर प्रभारी हरीश रावत ने यहां पर कहा है कि अगला चुनाव यानी कि आने वाला 2022 का विधानसभा चुनाव पंजाब के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बार सीएम नहीं होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि रविवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा देते हुए कहा कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और इस बार वो सीएम भी नहीं होंगे। पर दोस्तों, आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू के क्या नेतृत्व में इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का दावा फिक्स कर पाएगी। दोस्तों, यहां पर माना जाता है कि यंग नेताओं में से अभी तक जितने भी सीएम है कांग्रेस के पास, उनमें से यंग नेताओं में से सिद्धू सबसे कम उम्र वाले हैं और यहां पर पंजाब के अंदर उनकी काफी चर्चित है और काफी लोकप्रियता भी है, क्योंकि दोस्तों यहां पर उनकी लोकप्रियता काफी अच्छी है और यहां पर वो अपना सिक्का जमाने में कामयाब भी हो सकते हैं। दोस्तों, कांग्रेस का मानना है कि नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा यहां पर कांग्रेस की तरफ से कोई और सीएम सीट को हासिल नहीं कर सकता है। पर दोस्तों, यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चाले चली और उनको यहां से हटाने की जो कोशिश थी, फाइनली उन्होंने कामयाब कर ली है और वो सीएम पद पे भी आ चुके हैं। जिसके दोस्तों आप सभी को बता दें कि अभी फिलहाल वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पंजाब के अंदर वो नेता है और अब वो सीएम के तौर पर अगला चुनाव लड़ने वाले हैं। पर दोस्तों, यहां पर कांग्रेस पार्टी का भरपूर फायदा उठाने वाली आम आदमी पार्टी लगातार इनकी हरकतों पर नजर रखे हुए हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं ये फिर से गलती करे और इन गलती का फायदा उठाए। पर दोस्तों, यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ये अपना बोलबाला चालू कर दिया है और यहाँ पर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को यहाँ पर सर पे बिठाने की बातें चल रही है। दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी खेमे में से कुछ इस तरह की बू आ रही है कि वो इस बार कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार अब इनके खिलाफ अपनी कार्रवाई को तैयार कर रहा है, यानी कि अपनी सीएम चेयर को यहाँ पर पेश करने वाला है और बहुत जल्दी यहाँ पर आम आदमी का सीएम आने वाला है। पर दोस्तों, इसी के साथ जानेंगे तमाम अपडेट। पर दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडियन न्यूज को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी के जल्दी नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों, ऐसे में आपको ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और पंजाब विधानसभा चुनाव से संबंधित तमाम जानकारी मिलती रहेगी रिपोर्ट सिर्फ हमारे इसी चैनल द इंडियन न्यूज के माध्यम से। और दोस्तों, आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसके लिए एक छोटा सा कमेंट तो बनता है। जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके आप पंजाब के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आखिरकार दोस्तों जानते हैं यहाँ पर एक एक जिले वाइज एक एक अपडेट के बारे में। दोस्तों, हम पंजाब के फाजिलका जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर अकाली खाते में एक सीट जाएगी जबकि आम आदमी को यहाँ पर दो सीटों का बहुमत मिलेगा। पर यहाँ पर कांग्रेस खाते में एक सीट का बहुमत है, यहाँ पर बीजेपी को जीरो, तो अन्य खाते में जीरो सीट है। साथ ही दोस्तों, हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर फिरोजपुर की दोस्तों यहाँ पर चार विधानसभा सीट और चार में से अकाली दल एक सीट अपने नाम करेगी जबकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी एक सीट अपने नाम करेगी। पर दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को तीन सीटों का अच्छा खासा बहुमत मिलेगा जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में जीरो, तो अन्य खाते में जीरो सीट है। पर दोस्तों, यहाँ पर पंजाब की हम आठ विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। पर अकाली खाते में एक सीट का बहुमत है जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर तीन सीटें मिल रही थी, पर कांग्रेस खाते में चार, बीजेपी खाते में जीरो, तो अन्य खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कपूरथला की दोस्तों यहाँ पर चार विधानसभा सीटें हैं और चार विधानसभा सीटों में से अकाली खाते में बिल्कुल जीरो सीट का बहुमत है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को दो सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भी दो सीटों का बहुमत मिल रहा है जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में जीरो, तो अन्य खाते में जीरो। साथ ही यहाँ पर पंजाब की 12 सीटों में से अकाली को एक, आम आदमी को पांच, कांग्रेस को छह, बीजेपी को जीरो, तो अन्य खाते में जीरो सीट है। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लुधियाना की 14 विधानसभा सीटों में से अकाली को दो सीटें, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को आठ सीटें मिल रही है जबकि कांग्रेस को यहाँ पर चार, तो बीजेपी को जीरो, तो अन्य खाते में जीरो सीट है। पर दोस्तों, यहाँ पर पंजाब की 26 सीटों में से अकाली को तीन, आम आदमी को 13, कांग्रेस को 10, बीजेपी को जीरो, तो अन्य खाते में जीरो सीट है। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मनसा की तीन सीटों में से अकाली को जीरो, तो बीजेपी को भी यहाँ पर जीरो सीट मिल रही है जबकि आम आदमी को एक, तो कांग्रेस को दो। और यहाँ पर पंजाब की 29 सीटों में से अकाली को तीन, आम आदमी को 14, कांग्रेस को 12, बीजेपी को जीरो, अन्य खाते में भी जीरो सीट है। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पटियाला की 8 सीटों में से अकाली को एक सीट मिल रही है जबकि यहाँ पर आम आदमी को 4, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें, तो बीजेपी को 1 सीट मिल रही है जबकि अन्य खाते में जीरो। पर दोस्तों, यहाँ पर पंजाब की 37 सीटों में से अकाली को 4, तो आम आदमी को यहाँ पर 18, कांग्रेस को यहाँ पर 14, तो बीजेपी को 1 और अन्य खाते में जीरो सीट है। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर रूपनगर की 3 विधानसभा सीटों में से अकाली को यहाँ पर 0, तो आम आदमी को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है जबकि कांग्रेस को 2, बीजेपी को 0, अन्य खाते में जीरो सीट है। पर दोस्तों, यहाँ पर पंजाब की 40 सीटों में से अकाली को यहाँ पर 4 सीटें, तो आम
आदमी को यहाँ पर 19 सीटें मिल रही, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 16 सीटें हैं, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में एक और अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर संगरूर की 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर अकाली खाते में 0 सीट है, जबकि आम आदमी को यहाँ पर 4 सीटें मिल रही है। प्रदोष यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट का बहुमत है, तो अन्य खाते में 0। प्रदोष यहाँ पर पंजाब की 48 विधानसभा सीटों में से अकाली खाते में 4, तो आम आदमी को यहाँ पर 23, कांग्रेस को यहाँ पर 9, तो बीजेपी को यहाँ पर 2 और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें यहाँ पर, तो एसएस नगरी के यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें और 3 विधानसभा सीटों में यहाँ पर दोस्तों अकाली खाते में 0, तो आम आदमी खाते में 3, कांग्रेस को यहाँ पर 0, तो बीजेपी को 0, तो अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 51 सीटों में से अकाली को यहाँ पर 4, आम आदमी को 26, कांग्रेस को 19, बीजेपी को 2 और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर तरन तारण की यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें और चारों पार्टियों खाते में 1-1 सीट का संपूर्ण बहुमत है, जबकि अन्य खाते में 0। तो इसी के साथ पंजाब की हम 55 सीटों के बारे में बात करें तो अकाली खाते में 5, आम आदमी को 27, कांग्रेस को 20, बीजेपी को 3 और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर बरनाला की 2 सीटों में से यहाँ पर अकाली और कांग्रेस को 1-1, जबकि बाकी पार्टियों को 0 सीट मिल रही है। पंजाब की यहाँ पर 57 सीटों में से यहाँ पर अकाली खाते में 6, आम आदमी को 27, कांग्रेस को यहाँ पर 21, बीजेपी को 3 और अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर बठिंडा की 6 विधानसभा सीटों में से अकाली खाते में 0, तो यहाँ पर आम आदमी को 4, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 0, तो अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 63 सीटों में से यहाँ पर अकाली खाते में 6, तो आम आदमी को यहाँ पर 31 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को यहाँ पर 23, बीजेपी को 3 और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर फरीदकोट के यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें और 3 में से अकाली, आम आदमी और कांग्रेस तीनों को 1-1 सीट मिल रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 66 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर अकाली खाते में 7, तो आम आदमी को यहाँ पर 32, कांग्रेस को यहाँ पर 24, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें यहाँ पर, तो फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीटें और अकाली को यहाँ पर 2 सीटें, तो यहाँ पर आम आदमी को 1 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की हम 69 सीटों के बारे में बात करें, अकाली खाते में 9, आम आदमी को 33, कांग्रेस को 24, बीजेपी को 3 और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर नवांशहर की 3 सीटों में यहाँ पर अकाली, आम आदमी और कांग्रेस तीनों पार्टी को 1-1 सीट का बहुमत मिल रहा है, जबकि यहाँ पर बीजेपी और अन्य खाते में 0 सीट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर पंजाब की हम 72 सीटों में से अकाली को यहाँ पर 10, आम आदमी को 34, कांग्रेस को 25 और बीजेपी को 3, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें यहाँ पर, तो पठानकोट की दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें और 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर अकाली खाते में 1, तो आम आदमी को 0, कांग्रेस को यहाँ पर 2, तो बीजेपी को 0, तो अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 75 सीटों में से अकाली को 11, आम आदमी को 34, कांग्रेस को यहाँ पर 27, बीजेपी को यहाँ पर 3, अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें यहाँ पर, तो मोगा की 4 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी और कांग्रेस दोनों को 2-2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अकाली, बीजेपी और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 19 सीटों में से अकाली को 11, आम आदमी को 36, कांग्रेस को यहाँ पर 29, बीजेपी को 3, अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर ले यहाँ पर, तो गुरदासपुर की 7 सीटों में से यहाँ पर अकाली को 0, तो आम आदमी को यहाँ पर 3, कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें मिल रही, जबकि अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 86 सीटों में से कांग्रेस को यहाँ पर 33 सीटें मिल रही, तो आम आदमी को 39, अकाली को 11, तो बीजेपी को 3, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर ले यहाँ पर, तो होशियारपुर की दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर अकाली 1 सीट अपने नाम करेगा, जबकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलेगी। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 2 सीटें अपने नाम करेगा और बीजेपी खाते में 1 ही सीट मिलेगी, जबकि अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब के 53 सीटों में से यहाँ पर अकाली खाते में 12 सीटें हैं, जबकि आम आदमी को यहाँ पर 42 सीटें मिल रही है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 35 सीटें, तो बीजेपी खाते में 4 और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें यहाँ पर, तो जालंधर की 9 सीटों में से यहाँ पर अकाली को 0, तो यहाँ पर आम आदमी को 6 सीटें मिल रही, जबकि यहाँ पर कांग्रेस 3 सीटें अपने नाम कर रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 102 सीटों में से अकाली खाते में 12 सीटें, जबकि आम आदमी को यहाँ पर 48 सीटें मिल रही, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 37 सीटें, तो बीजेपी खाते में 5 और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें यहाँ पर, तो अमृतसर की 11 सीटों में से यहाँ पर अकाली खाते में 0 सीट, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल रही, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 6 सीटें, बीजेपी खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 113 सीटों में से यहाँ पर अकाली खाते में 12 सीटें, जबकि यहाँ पर आम आदमी को 53 सीटें मिल रही, तो कांग्रेस को यहाँ पर 43, बीजेपी खाते में 5 और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम लास्ट एंड फाइनल जिले के बारे में बात करें, यहाँ पर मुक्तसर की 4 विधानसभा सीटें और 4 में से अकाली खाते में 0, तो यहाँ पर आम आदमी को 3 सीटें मिल रही, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 सीट है, तो बीजेपी खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल हम भी पंजाब की 117 में 117 सीटों के बारे में बात करें, दोस्तों यहाँ पर अकाली खाते में 12 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 56 सीटें मिल रही, तो यहाँ कांग्रेस खाते में 44, तो बीजेपी खाते में 5 और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस को हराकर इस बार भरपूर फायदा उठाने वाली आम आदमी पार्टी क्या अपनी चालबाजी से 56 सीटें लेकर यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों देखने वाली बात है कि आखिरकार दोस्तों यहाँ पर 56 सीटों के साथ जीत मिलती है या इससे ज्यादा या फिर इससे कम। दोस्तों तमाम जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, जानने के लिए अभी कभी चैनल के नीचे लाल बटन दे रखा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।